नेशनल न्यूज नामा एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करता है कि रावलपिंडी के इलाके धोकसाईदा बर्फखाना में वाकई क्रिश्चियन कॉलोनी में रात गए खौफ फैल गया। गिरजाघरों को जलाए जाने की अफवाह पर क्रिश्चियन कॉलोनी के मकीनों ने रातों रात बस्ती खाली कर दी और मसीही बरादरी के लोग फैमिलीज और बच्चों के हमरा घरों को छोड़कर चले गए। पुलिस के मुताबिक धोकसाईदा की क्रिश्चियन कॉलोनी में किसी शरपसा ने अफवाह फैलाई कि घरों को जलाया जाएगा। मामला मसीह बरादरी के दो फ्रीकैन के माबीन जायदाद के तनाजे पर फैला। पुलिस के मुताबिक इलाके में किसी किस्म की कशीदगी की सूरत हाल नहीं है। रावलपिंडी पुलिस इलाके में मौजूद और अलर्ट है और सीनियर पुलिस अफसरान मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तर्जमान पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बेबुनियाद अफवाहों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि रावलपिंडी पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाएगी। मौका पर मौजूद तहरीक बेदारी के सदर शहजाद इमरान सहोत्रा ने क्या कहा जानते हैं। हम पूरी दुनिया के मसीहों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो बर्फखाना धोकसाईदा क्रिश्चियन कॉलोनी के बारे में गैर जरूरी लोग सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ा रहे हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। फिलहाल कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ लोग जो रात को जो अफवाहें गर्दश की उस वजह से तो सामने जड़ा वाला की वजह से वो लोगों लोग पहले ही हमारी मसीह की जो है वो खौफ अराज का शिकार है। इस वजह से हमने तमाम अदारे हमारे साथ खड़े हैं, अलर्ट हैं। अभी एसपी साहब एसएचओ साहब ने विजिट किया है और यकीनदारी और इनको फोन सिक्योरिटी जो है वो धोकसाईदा और चंदी को मुहैया कर रहे हैं। तो मेरी तमाम दोस्त अहबाब और मीडिया पर्सन से गुजारिश है कि गैर जरूरी खबरों और गैर तस्दीक शुदा अफवाहों से ग्रेज करें। हमारे साथ हमारी मजहबी क्यादत भी मौजूद है, सियासी क्यादत भी है, हमारे कानूनदान भी सारे मौजूद हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के सियासी समाजी कारकुन। बराए मेहरबानी जो है वो इस चीज़ को हवा ना दें। एक इधर इस वक्त अमन और सुकून है और खुदा हमारे लोगों पे अपनी रहमत जो है वो अमन और सुकून के साथ रहम करें। विशाल भाई आपने कोई बात करनी है तो शुक्रिया। जैसे शिलाज ने कहा कि यहाँ जड़ावाला का वाक़ हुआ था तो जब अफवाहें गर्दिश में आई तो लोग पैनिक हो गए और प्रॉपर रास्ते में महसूस किया और घर छोड़ के चले गए। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ने आकर चर्च में आकर हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, ऐसा कोई वाक़ नहीं हुआ। ये दो अफराद का निजी मामला था जो टूल पकड़ गया, लेकिन अफवाहों की जद में आके हमारी कम्युनिटी डर गई है, खौफजदा हो गई है और हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर जो हालात कंट्रोल में हैं, इंतजामिया हमारे साथ है। डर खौफ पिछले वाकया इतने होलनाक और खौफनाक हुए उसकी वजह से है, लेकिन यकीनन जब इदारे अपना काम इफेक्टिवली करेंगे तो ये बिल्कुल चीज़ें सही होंगी। अपने दोस्तों को जो घर छोड़ के गए हम कहेंगे वापस आएँ, अपने घर में रहें और इस यकीन के साथ रहें कि इंतजामिया हमारी प्रोटेक्शन के लिए सज्ज है। बहुत शुक्रिया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं आपका भाई बाबर शहजाद गोशी, इस वक्त मैं क्रिश्चियन कॉलोनी चक जलाल दीन पे और अपने डेरे पे मौजूद हूँ। तो आज के दिन पे जो सबसे ज्यादा मसीहों के हवाले से एक वायरल पोस्ट है जो टीवी चैनल्स पे भी चल रही है, टीवी चैनल्स पे और मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन कॉलोनी चक जलालुद्दीन रावलपिंडी के हालात इंतहाई कशीदा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रात को ये एक रूमर था, एक अफवाह थी जिसने एकदम हाइप पकड़ी, वो लोगों में फैल गई है। ये पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी क्रिश्चियन कॉलोनी, इसके साथ एक मौसा और इलाके क्रिश्चियन आबादी। जब वहां से लोगों को पता लगा कि शायद ऐसा कोई शर पसंद दाना इकदाम होने लगा है, शायद किसी कानूनी पे हमला खुद करने जा रहे हैं, उन लोगों ने जोग दर जोग अपने सभी घरों को खाली किया, जो जो चीजें उठा सकते थे अपनी फैमिली को लिया, वो शिफ्ट हो गए। अच्छा, अब वो रास्ता इसी कानूनी करना, जब वो इधर से जाना उन्होंने शुरू किया, लोगों ने पूछा क्या, उन्होंने कहा पिस्तौल है, उन्होंने भी हमारे इलाके के लोगों ने भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया। रात को तकरीबन 80-90% हमारे इलाके के लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। मैं पास्टर लिया साहब और हम दूसरे खुदा के साथ में सभी के सभी यहाँ मौजूद, सभी इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग ना जाए प्लीज, खुदा ना जाए ना जाए, हम लोग बेदर है, हम आपके साथ हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है हमारे साथ भी होगा आपके साथ बाद भी होगा। लेकिन लोगों में जो खौफ था, जो तजस्सुस था, आप लोगों को पता है जो तशवीश लोगों में पाई जाती थी, आज के मौजूदा हालात के मद्देनजर रखते हुए वो लोग अपनी जगह पे ठीक थे। खैर, उन्होंने अपना सामान को शिफ्ट किया और वो चले गए। अच्छा, इसके साथ एक और बात भी ऐड करता जाऊं, उस वक्त इंतजामिया पंजाब पुलिस भी हमारे साथ थी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की लोगों को, उन खानदानों को, उन बच्चों को, बूढ़ों को, खानदानों को,
कि आप लोग शिफ्ट ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन देखते देखते बड़ा पूरा इलाका खाली हो गया, क्योंकि बताया जा रहा है शायद पुलिस ने खाली करवाया, इसमें कोई शराकत नहीं। उसके बाद पास्टर साहबान हम पूरी रात खड़े रहे, खैर जो कुछ लोग थे, ज्यादा लोग थे जो रुक गए, मैं जो लोग रुक गए यहाँ पे, मैं उन्हें खराजे थे सीन पेश करता हूँ। देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मतलब इसमें कोई आप नहीं या नुकसान फायदे ये अल्लाह ताला के पास है, ये आपके मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन जो रह गए थे लोग जो रह गए, उन्हें मैं स्पेशली खराजे तहसीन पेश करता हूँ, शाबाश पेश करता हूँ कि आप लोग रहे। जो चले गए उन्होंने भी बेहतर समझा, उनका जाना ही बनता था, उन्होंने बेहतर समझा। लेकिन उनसे ये गुजारिश है कि आप लोग वापिस आ जाए। अभी इस वक्त मेरे ख्याल में 3 के लगभग का टाइम है और हालात बिल्कुल पुरअमन है। रावलपिंडी में इस्लामाबाद से बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन एक्टिविस्ट, सियासी, समाजी, मजहबी सारी शख्सियत रावलपिंडी में इस इलाके में मौजूद है। आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि कुछ दोस्त व्हाट्सएप पे कॉल्स कर रहे हैं, आप लोगों से बेशुमार दफा माफी चाहता हूँ, माजरा चाहता हूँ। फोन स्विच ऑफ किए थे, बैटरी डेड होने की सूरत में भी मेरे फोन जेब में बज रहे, कॉल नहीं अटेंड कर सका। आप लोगों के वॉइस नोट मैंने देखे, बेशुमार दोस्तों के मैं आप लोगों से रिप्लाई नहीं कर सका। उन्हीं सभी दोस्तों के वॉइस मैसेज कॉल्स को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बेलाम से बना रहे थे इंतहाई को अमल लाजम। और आपको कोई चीज कंफ्यूजन हो तो आप इसके इस मैसेज पे लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम उसका उसी वक्त के साथ जवाब देंगे। सभी दोस्तों की कॉल लेना बहुत मुश्किल है, आप समझते हैं।